ये कांग्रेस के सिपाही है, इन्हीं को देख के यूपी में 20 छेड़ते हैं, हैदराबाद में सिर्फ 7 छेड़ते हैं। मैं सोहेल साहब आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम से एक क्वेश्चन है कि माइनॉरिटीज आज आपके तरफ आपकी बात पे आपके हाईकमान के और स्टेट के लोगों से मिलने के बाद ये भरोसा करके आपका साथ दे रहे हैं, तो उनका जो क्वेश्चन था कि क्या माइनॉरिटीज के साथ आगे भी इस तरह से अमल होगा, उसकी हामी देना है आपको। इंशाल्लाह दोस्त, कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी के साथ जुड़ी हुई थी और इंशाल्लाह आगे जो मैनिफेस्टो में जो हम जो भी हमारा कमिटमेंट दे रहे हैं इंशाल्लाह वो कांग्रेस बिना बोले देगी। और रहा सवाल जहां तक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कन्हैया साहब का और नदीम भाई से यहाँ पर सब जितने जोड़ करके एक बात बोलना चाहूँगा, खासतौर मीडिया साहब से। भाई आप भी सुन लो मेरे दोस्त, हेलो एक बार सुन लो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के वक्त जब हिंदुस्तान बंटवारे में दौर पे ठहरा हुआ था तो मौलाना की बड़ी तड़प थी कि इसको रोक ले, मगर आप लोग गौर करें, जब पाकिस्तान बनाने की जो जुस्तजू कर रहा था वो एक बैरिस्टर था, और आज मोदी को बचाने की जो कोशिश कर रहा वो भी हैदराबाद का एक बैरिस्टर था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे लोग काफी समझदार है कि 7 तारीख को दिन क्या करना इनको बाखूबी मालूम हो चुका है। और जहां तक हमारे नासिर भाई ने कहा है कि गांव गांव जाना है, तो ऑलरेडी नासिर में हम आदिलाबाद निजामाबाद संगारेड्डी का दौर करके आ चुके हैं, वहां के लोगों के महलों में मस्जिदों में हर तरफ के एनजीओ में वहां का सबसे मिल के आए हैं। हम काफी उम्मीद है हमको कि वहां पर हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बाकी जितने इसरा है बराबर नदीम भाई की क्यादत में हर गांव गांव जाएंगे, डोर डोर जाएंगे और बताएंगे। जैसा कन्हैया साहब ने कहा है कांग्रेस का बहुत बड़ा दिल है और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के साथ बराबर जाके बताएगी और अवैसी की पॉलिसी भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी खुलकर सामने बताएंगे। लिहाजा मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग 1 बजे से यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में कन्हैया साहब का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि नदीम भाई के कहने पर आपने हैदराबाद हमारी तकरीब में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया पर हिंदुस्तान छोड़कर तेलंगाना में ये मीटिंग अरेंज करने के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम भाई का। नासिर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, रात में 12:30 बजे तंग किया। ये कांग्रेस के लोग होते हैं, ये कांग्रेस के लीडर होते हैं, 12:30 को फोन उठा कर बोले सोहेल में आऊँ। और जावेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मानी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मधु भाई तहे दिल से थैंक यू वेरी मच, बड़े भाई हैं हमारे, अकरम भाई जो मेरे साथ काफी शाना बशाना है हैदराबाद में, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट के तमाम चेयरमैनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब ने यहाँ आकर जो हमारे हिम्मत बढ़ाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा असद भाई, यादव साहब जरा सामने आए, और नदीम भाई ये मेरे डिपार्टमेंट में पहला पोस्ट है।